व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एक पिल्स जैसी शेप वाला हमें एक डिवाइस देखने को, एक कटआउट देखने को मिलता है। गाइस, बेसिकली ये डिस्प्ले का ही पार्ट है। बट आपको जैसा कि पता होगा कि हमें आईफोन 14 प्रो में एक डायनेमिक आइलैंड टाइप की एक नॉच देखने को मिलती है, जो कि पिल शेप्ड पंच होल की तरह होती है। वैसे ही सिमिलर फीचर अब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी ला सकते हैं। भी आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ ये फीचर बताने के लिए, लेकिन गाइस जो ऐप है वो अब जाके कुछ एक हद तक ऑप्टिमाइज्ड हुई है। और मैं जब तक कोई चीज़ फुली एंड फाइनली यूज़ एंड टेस्ट नहीं कर लेता, मैं कभी भी वो आपको रिकमेंड नहीं करता। तो इसी रीज़न से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में वो फीचर कैसे ला सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, अगर ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू वीडियो एंड आई विल शो यू। तो गाइस, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ। एंड आपको जाना है एंड सर्च करना है डायनेमिक स्पॉट। गाइस, ये फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको बीटा मिल जाते हैं अपडेट्स। अब ये बीटा ही है, इसको थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आप देखिएगा आईफोन 14 डायनेमिक आइलैंड फीचर काफ़ी कस्टमाइजेशन के साथ ही आता है। एंड अभी ये इसमें एक अपडेट आ गई थी, तो मैंने अभी इसको अपडेट कर रहा हूँ। और जैसे ही ये गाइस अपडेट होता है, हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड जैसे ही अपडेट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अपीयरेंस पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड बिहेवियर में हम इसको शो ऑलवेज पे क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर काफ़ी फीचर्स पेड भी मिलते हैं और कुछ फ्री भी मिलते हैं। एंड मैंने इसकी बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ की थी, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे किस टाइप से काम करता है, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे हिसाब से। और अगर हमें कुछ भी मेल या नोटिफिकेशन आती है, तो हमें यहाँ से दिख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्पॉटिफाई चलाऊँगा इस, तो स्पॉटिफाई में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेट मी जस्ट सी, मैं कुछ प्ले करता हूँ MCS के। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमें विजुलाइजेशन इंडिकेटर मिलता है। देख सकते हो कि यहाँ पे आप मूव करके मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम करता है मेरे हिसाब से, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो गाइस यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ दिखता है। एंड गाइस, अगर हम इसे ओपन करें, तो मैं तो यूजली जो बिहेवियर रखता हूँ वो शो ऑलवेज नहीं रखता, क्योंकि थोड़ा सा फेक सा लगता है उस केस की वजह से। बाकी मैं इसमें कस्टमाइजेशन अच्छे खासे लेवल पे कर सकता हूँ। लेट्स से अगर आपको इंस्टाग्राम का मैसेज चाहिए, तो बाय द वे गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते या करते हैं, तो आप मेरे फोटोग्राफी ब्लॉग लेक्चर्स फोटोग्राफी को फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता हूँ। एंड कुछ टाइम में थोड़ा सा जो मेरा कंटेंट मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसमें फोटोग्राफी रिलेटेड आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ। तो डू फॉलो इफ़ यू लाइक फोटोग्राफी स्टफ। तो गाइस, अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज भेजा अपने ही अकाउंट से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को नोटिफिकेशन आई है और मैं यहाँ से ही इसमें बात कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें देखने को मिलती है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे सीरियसली गाइस काफ़ी बढ़िया लगी है फीचर। एंड आई होप सो गाइस, आपको भी ये काफ़ी पसंद आने आई होगी। अगर गाइस ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलता हूँ गाइस ऐसे किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट गाइस।